हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स डिस्कस। प्यारे स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास नाइन्थ का विषय हमारा हिंदी होगा, जो कि अपठित गद्यांश पढ़ेंगे और वर्कशीट नंबर 27 होगा और यह 10th ऑफ सितंबर 2021 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते प्यारे बच्चों। हमारे आसपास या घर आंगन के पेड़ और पौधे से हमारी कई वस्तुएं, यादें और भावनाएं जुड़ी होती है। जैसे हम पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं तो उससे हमारी यादें जुड़ी होती है, ठीक है, भावनाएं जुड़ी होती हैं। उस पेड़ पौधे के न हो रहने पर उनसे जुड़ी बहुत सी याद बातों को लोग याद करते हैं और इसी भाव को व्यक्त करते हुए कविता को पढ़िए और समझ कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, बेहद ही आसान सा है। अरे कोई देखो, मेरे आंगन में कट कर गिरा मेरा नीम, यानी नीम का पेड़ गिर गया कट कर, ठीक है। मेरी गिरा मेरी सखियों का झूला, यानी मेरे साथियों, यानी ये पेड़ है, नीम है, तो उस वो मेरा साथी था जिस पर मैं झूला झूला करता था। झूला बेटे का पलना गिरा, यानी उसको बेटे की तरह पालता था, ठीक है। गिरी उसकी चिड़िया, यानी गिरी उसकी चिड़िया और देखो उड़ा उनका शोर, यानी उस पर बैठे वाले चिड़िया वो उड़ गई, शोर देखो, ठीक है, ऐसा उसे याद आ रहा है। देखो उड़ा उनका शोर, देखो एक घोंसला गिरा, यानी घोंसला भी गिर गया, यानी पक्षी। जैसे ही हम पेड़ को काटते तो ये सारी बातें देखने को मिलता है। वे आरा ले आए, आए कुल्हारी, यानी आरा काटने वाला होता है जिसको जो है ना रेत करके काटते हैं, ठीक है, और कुल्हारी ले आए और रस्सा ले आए उसे बांधने। देखो कैसे कांपी उसकी छाया, उसकी पत्तियां की छाया, जिसने घाव मैंने पूरे देखो कैसे कटी उसकी छाल। ओहो कितना बहुत ही अच्छा सा पोएम है डियर स्टूडेंट, ये यादें है। उसकी पत्तियां की छाया, जिसे घाव मैंने पूरे देखा कैसे कटी उसकी छाल काटते हुए, ठीक है। उसकी छाल में धंसी कुल्हारी की धार, मेरी गीतों में धंसी, मनौती में धंसी, मेरे घावों में धंसी और कुल्हारी की धार। बेटे ने गिन लिए रुपए, बेटे ने देखो उसके बाबा ने कर लिया हिसाब, उसे ले गए जैसे कोई ले जाए लावारिस लाश, यानी ऐसे उसे ले जाया जाता है जैसे कोई लावारिस लाश ले जा रहा है। ऐसे उसे ले जा गए, ले गए आंगन की धूप छांप, सुबह शाम चिड़िया का शोर, ले गए ऋतुएं अब तक का संग साथ, सुख दुख सब जीवन ले गए। तो आई होप डियर स्टूडेंट ये सारे जो है ना पेड़ से जुड़ी हुई यादें थी। तो चलिए इसमें पूछे गए प्रश्नों का हम उत्तर देते हैं। सखी शब्द का क्या अर्थ है? सखी शब्द का अर्थ होता है मित्र होता है, ठीक है डियर स्टूडेंट। मित्र भाई नहीं होता, नहीं चाचा होता, नहीं बेटा होता। सखी शब्द का जो अर्थ होता है प्यारे स्टूडेंट वो क्या होता है? मित्र होता है। तो आप मित्र पे टिक करेंगे, राइट, पहला का। सेकेंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट आपका, बेहद ही आसान है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यानी पादप तो है, तरु भी है, वृक्ष भी है, ये बंसी नहीं है, तो यानी ये आपका आंसर होगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर घ रहने वाला है, आंगन में कौन सा पेड़ कट कर गिरा? तो आंगन में नीम का पेड़ कट कर गिरा, ठीक है। पेड़ के गिरने पर कवि ने क्या क्या किरने या खाब खत्म होने की बात की, उसकी सूची बनाई, तो सखियाँ का झूला, चिड़िया का शोर, बेटे का पालना, घोंसला, ये सारी बातें हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, ऐसा क्यों हुआ कि पेड़ और उसकी छाया डर के से कांपने लगी? कुल्हारी को देखकर पेड़ और उसकी छाया डर से कांपने लगी। और क्वेश्चन नंबर 6 है, बेटे और बाबा ने पेड़ के साथ क्या किया? तो बेटे और बाबा ने पेड़ को बेचकर रुपए गिन लिए, ये कभी नहीं बेचना चाहिए था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इस कविता के आधार पर विचार करके लिखिए कि घर आंगन से पेड़ के कट जाने पर जीवन से क्या क्या खत्म हो जाते हैं। तो घर आंगन से पेड़ कट जाने पर पेड़ की शीतल छाया, चिड़िया की चहचहाट, भिन्न भिन्न ऋतु की पहचान आदि खत्म हो जाती है, ठीक है। एक गतिविधि है डियर स्टूडेंट, इस गतिविधि को आप करिए खुद से। आज का ये गतिविधि खुद से है कि अपने परिवार के लोगों से पेड़ से जुड़े खेलों रीति रिवाज और घटना पर चर्चा कीजिए तथा पेड़ से जुड़े किसी एक खेल के बारे में लिखकर विद्यालय के व्हाट्सएप समूह पर शेयर कीजिए, ठीक है। तो ये डियर स्टूडेंट बेहद ही आसान से वर्कशीट था। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।